चुनाव को लेकर बात करें तो सरकार के विपक्ष में पूरी पार्टियां एक हो जा रही हैं, बसपा किधर जाएगी? बसपा समर्थकों का सबसे बड़ा आरोप है कि बहन जी किसी से मिलती नहीं। नमस्कार, मैं संजय अम्बेडकर, इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं उपकार बावरा जी, बसपा के उभरते हुए नेता जो अपने आप में एक दमखम रखते हैं, जान पहचान से वाजिब होंगे आप लोग। आज उनसे बात करेंगे, कहाँ से राजनीति में आए, कहाँ से सामाजिक मूवमेंट में आए, कब भीम आर्मी में थे, कब कैसे सफ़र शुरू हुआ, सबको लेकर बात करते हैं उपकार बावरा जी से ही। सबसे पहले सर स्वागत है आपका चैनल में। धन्यवाद सर। हम ये जानना चाहते हैं कब से सामाजिक मूवमेंट में आ पाए और कब से भीम आर्मी, कब से कब तक रहे, और 13 महीना जो जेल में आप काटे उसके बाद कैसे BSP में आए? लगभग 2008-09 की बातें हैं। 2008-09 में हमारे पिताजी अंबेडकर राइट्स मूवमेंट से जुड़े, और आप लोगों को याद होगा एक आंदोलन हुआ था जब समाजवादी सरकार हुआ करती थी और समाजवादी सरकार ने प्रमोशन में डिमोशन किया था, तो एक आंदोलन खड़ा हुआ था। उस आंदोलन से हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली और वहाँ से हमारा जो है पूरा जीवन अंबेडकर राइट्स मूवमेंट के लिए चल पड़ा। तो वहाँ से जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। तब से हमने बाबा साहेब को, अपने इतिहास को, उनके लिटरेचर को पढ़ना शुरू किया, तो तब से चीज़ें जो है बदलनी शुरू हो। क्या वो दिन 2 अप्रैल 2018 का था? नहीं, उससे पहले भी चीज़ें घटी। आप लोगों को याद होगा सहारनपुर सबीरपुर एक घटना घटी थी जहाँ दलित समाज के लगभग 51 घरों में आग लगा दी गई थी। तो उस दौरान भी हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट के दौरान हमारी गिरफ्तारी हुई। लगभग 2.5 महीना हम जेल में रहे सहारनपुर। तो उसके बाद फिर कारवां चलता चला गया। फिर 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन हुआ, तो उस आंदोलन में हमने पूर्णतः सहभागिता निभाई। सरकार ने डर करके हमारे ऊपर NSA लगाया, लगभग 13 महीने हमें जेल में रखा, और फिर उसके बाद तो जो है कारवां बढ़ता ही चला गया, फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब जेल से आप बाहर आए तो क्या सन रहा, उसके बाद कैसे BSP में आए? जेल से जैसे ही बाहर आए, उस समय हम भीम आर्मी को देख रहे थे, भीम आर्मी जो मूवमेंट था उस दौरान का उसको देख रहे थे, लेकिन उन भीम आर्मी के जो नेता थे, जो लीडर थे, उनकी जो मंशाएं थी वो बहुजन समाज पार्टी, जो हमारी एकमात्र पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, जिसकी वजह से आज हम लोग अपने मिशन मूवमेंट को जिंदा रखे हुए हैं। तो उसके प्रति बहुत ही मतलब निगेटिव उसके विचार थे, तो जिससे हम बहुत ज़्यादा दुखी हुए और फिर हमने उसका साथ छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी में अपनी भागीदारी निभाई। सर, मैं वो विचार जानना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी बातें थी जो खटापट हुई जो आप BSP में आ गए? देखिए, बातें तो बहुत सारी है। सबसे पहली चीज़ तो विचारधारा है। विचारधारा जब बदलनी शुरू हो गई, जब उनके मंशाएँ, उनके विचार जो है बदलने शुरू हो गए, तब से ही हमने सोचा कि भाई अब दाल नहीं गलेगी, तो BSP जो अपना एक्चुअल मोमेंट है उसमें अपनी सहभागिता निभाई जाए। आपके तरह से बहुत सारे नेता आए, आपको भीम आर्मी से प्रदेश उपाध्यक्ष अध्यक्ष सिकंदर बौद्ध जी भी आए, हालांकि बसपा उनको संभाल नहीं पाई, कोई कमान नहीं दी, कोई पद नहीं दी, वो बाहर भी चले गए, फिर भीम आर्मी में पुनः चले गए, आपको भी पद नहीं दिया गया है अभी, या कहें कुछ भी, तो क्या आगे का सफ़र कैसा रहेगा? देखिए, पद की अभिलाषा हमें नहीं है, हम लोग मूवमेंट के लोग हैं, हमारे लिए मूवमेंट महत्वपूर्ण है। बहुजन समाज पार्टी एक मूवमेंट है, पार्टी नहीं है, ये महापुरुषों का मूवमेंट है जो समय समय पे अपने आप को साबित करता आया है। तो हम अभिलाषित नहीं हैं किसी पद के या किसी प्रतिष्ठा के, हमारा मोमेंट हमारे लिए सर्वोपरि है और हम इस मोमेंट के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। बहुत लोग तो जो है BSP सुप्रीमो अध्यक्ष मायावती पर आरोप लगाते हैं कि इस समय जो है CBI के डर से, जो है रेट के डर से जो है बोलती नहीं है आंदोलनों में। देखिए, आरोप लगाना बहुत सरल होता है, काम करना बहुत कठिन होता है।
चार चार बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने वाली महिला, और महिला इस देश में लोग कहते हैं कि चार वर्ण है, मैं समझता हूँ पांच वर्ण है, पांचवा वर्ण महिला है, जिसको हर तरीके से हाशिए पर रखने के लिए पुरुष प्रधान देश में प्रकार प्रकार के भिन्न भिन्न तरीके की जो है गतिविधियाँ अपनाई गई। उस देश में जहाँ महिलाओं को पांव की जूती समझा जाता था, उस देश में एक महिला उस समय निकली जब मतलब महिलाओं का निकलना भी वर्जित था, पढ़ना भी वर्जित था। तो उस समय उस महिला ने इतना संघर्ष किया और संघर्ष के बाद घर परिवार छोड़ करके इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया। तो वो लोग नालायक होंगे जो इस प्रकार की बातें करते हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग समर्पित भाव से बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करें। आप मजबूती देंगे तो मिशन मजबूत होगा। और वो महिला जिसने अपना सब कुछ छोड़ करके इस मिशन मूवमेंट को चलाया, तो मैं समझता हूँ कि पहले लोगों को वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए, तब उसके बारे में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देनी चाहिए। हाल तो उनकी, मैं समझता हूँ कि उनकी सामर्थ्य नहीं है अभी, लेकिन बोलना सरल होता है, आरोप लगाना सरल होता है, उसको साबित करना बहुत कठिन होता है। आरोप तो आप पे भी लगते हैं कि आज यहाँ हैं कल वहाँ चले जाएंगे, क्या हो सकता है, समाज को ठग सकते हैं। देखिए, आरोप, मैंने कहा ना, आरोप लगाना बहुत सरल है। और मैं एक चीज़ सभी से कहता हूँ कि आप लोग कोई भी चीज़ देखते समय बैकग्राउंड जरूर देखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम लोग कहीं जब रिश्ते नाते बनाने के लिए जाते हैं, जब बहन बेटी की, भाई की शादी करने के लिए जाते हैं, तो हम देखते हैं कि पूरा परिवार क्या करता है, उसके पीछे के लोग क्या करते हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन जब हम नेता तैयार करते हैं तो हम वो चीज़ें नहीं देखते, उसकी बैकग्राउंड नहीं देखते, उसका कल्चर नहीं देखते, उसका उसके इतिहास नहीं देखते, जिसकी वजह से हम लोग धोखा खा जाते हैं। मैं चाहूँगा वो जो लोग इस तरीके के हैं वो हमारे बैकग्राउंड में झांके। और मेरा मानना ये है कि हमने शुरू से ही इस मिशन मूवमेंट के लिए अपने आप को समर्पित किया हुआ है, तो आरोप लगाना फिर भी बहुत सरल होता है, आरोपों को सिद्ध करना बड़ा काम होता है। जब सिद्ध हो जाएगा तब हमें बता देना। बसपा बीजेपी की बी टीम है क्या? अब मैंने बताया ना, ये सारे प्रोपेगेंडे होते हैं, ये विरोधी पार्टियां इस प्रकार के प्रोपेगेंडे समय समय पर चलाती आई है। हम लोगों ने कल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये जो 400% फीस जो वृद्धि हुई है फीस में यूनिवर्सिटी की ओर से, उसमें अपना अपना समर्थन दिया बहुजन समाज पार्टी की ओर से। तो पेपर में, अखबारों में उसको कहीं किसी प्रकार से प्रकाशित नहीं किया गया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि विरोधी जो हैं वो किस हद तक गिरे हुए हैं, वो किस हद तक जो है आप लोगों को डिमोलाइज करने का प्रयास करते हैं, आप लोगों की सही बातों को प्रचारित नहीं करेंगे। आपको रत्ती भर भी अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसको उसका बहुत बड़ा मुद्दा वो बनाने का काम करते हैं। तो यही प्रोपेगेंडा शुरू से चलता आया है और उसी के अनुरूप जो है विरोधी पार्टियां समय समय पर प्रोपेगेंडे को ईजाद करती है और आरोप लगाने का काम, हालांकि सिद्ध कुछ नहीं होता। सर, मेरा आरोप है कि बीएसपी खत्म हो गई है। ये आप लोगों की गलतफहमी है। देखिए, बीएसपी, मैंने जैसे बताया, बीएसपी कोई पार्टी नहीं है, बीएसपी एक मोमेंट है जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित है, जो संविधान पर आधारित है, जो एक प्राकृतिक विचारधारा पर आधारित है। वो उसकी गति धीमी तो हो सकती है लेकिन वो खत्म कभी नहीं हो सकता। तो ये गलतफहमी है। और राजनीतिक पार्टी की बात करें, राजनीतिक पार्टियों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, निराशा हताशा नहीं होनी चाहिए। हम लोग पूरे जोर से मेहनत करने पर लगे हुए हैं और विश्वास है कि 2024 में एक नया इतिहास रचने का बहुजन समाज पार्टी काम करेगी। चुनाव को लेकर बात करें तो सरकार के विपक्ष में पूरी पार्टियां एक हो जा रही हैं, बसपा किधर जाएगी? देखिए, बसपा एक, मैं समझता हूँ कि जब देश को बचाने की बात आएगी, हालांकि देश के हालात बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, तो मेरा मानना यह है कि बहुजन समाज पार्टी अपने स्टैंड पर रहेगी। और ये सारी चीज़ें तो बहन कुमारी मायावती जी पर निर्भर करती हैं, हमारी पार्टी की जो मुखिया हैं। हालांकि हमें उम्मीद है कि बहन कुमारी मायावती देश हित में फैसला लेगी, जो भी फैसला होगा वो देश हित में होगा, समाज हित में होगा। बसपा समर्थकों का सबसे बड़ा आरोप है कि बहन जी किसी से मिलती नहीं। ये आप लोगों की गलतफहमी है, ये उन लोगों की भी गलतफहमी है जो इस प्रकार की बात करते हैं। बहन कुमारी मायावती जी हर किसी से मिलती हैं, समय समय पर मिलती भी आई हैं। हालांकि मनुवादी मीडिया इस चीज़ को कभी दिखाता नहीं है, क्योंकि मनुवादी मीडिया अगर उस चीज़ को दिखाएगा तो औरों की दुकान बंद हो जाएगी, जो और पार्टी, जिन पार्टी से उनको पैसे मिलते हैं
तो वो दुकानें बंद हो जाएगी। बहन कुमारी मायावती जी मीडिया को पैसे नहीं देती, इस करके जो है मीडिया उनको प्रचार प्रसारित करने का काम नहीं करती और जो सही चीज़ें हैं उनकी दिखाने का काम नहीं करती। मैं आपको क्या दिख रहा हूँ, युवा नहीं दिख रहा हूँ? अभी आप दिख रहे हैं, अभी आप बहुत सारे कम दिख रहे हैं। नहीं, बहुत युवा हैं, ऐसी बात नहीं है, और युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। हम लोग प्रयासरत हैं कि युवाओं को आगे लाया जाए, हर तरीके से युवाओं को आगे लाने का प्रयास जो है हो रहा है। आकाश आनंद जी के माध्यम से सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी तो आगे कैसे प्रोजेक्ट करें सर, जो है पार्टी को लेकर? देखिए, पार्टी को प्रोजेक्ट करने का मामला नहीं है, प्रोजेक्ट है हमारी विचारधारा। हम अपनी विचारधारा को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो अम्बेडकर एक्ट्स पर आधारित है, उस विचारधारा को जो है समाज में बनाने के लिए, उतारने के लिए प्रयासरत हैं और समय समय पर करते भी आए हैं। मोमेंट के माध्यम से, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो युवाओं को क्या कहेंगे? देखिए, युवाओं से एक ही बात कहूँगा, पार्टी आपकी है और ये मिशन आपका है। आप इस देश का, इस समाज का भविष्य हैं। देश लूट रहा है तो आप सभी की जिम्मेदारी है कि इस देश को बचाएं, इस मोमेंट को बचाएं, इस पार्टी को बचाएं और अपने आप को आगे लेके आएं। पद प्रतिष्ठा की चिंता ना करें, आप काम करेंगे तो आपको पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। बड़ी, सबसे बड़ी चीज़ सम्मान है। और ये जो बहुजन मोमेंट है, ये जो हमारा संघर्ष है, ये सम्मान के लिए है। तो इस सम्मान के संघर्ष को मैं चाहता हूं कि युवा अपने हाथों में ले और इसको आगे बढ़ाए। तो इधर बात हुई उपकार बावरा जी से चुनाव को लेकर, उन्होंने कहा कि चुनाव में बसपा एक अलग स्टैंड पर रहेगी। धन्यवाद।